स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम का। अब इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन बैक प्रोपोगेशन। तो बैक प्रोपोगेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे, वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनिशियलाइज वेट्स टू सम रैंडम वैल्यूज, ऑल्सो प्रिडिक्ट वैल्यूज ऑफ बायसेस। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारे पास ये मल्टी लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जिसमें 3 लेयर्स है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर, और तीनों ही लेयर में दो दो न्यूरॉन्स हैं। यहाँ पर ये जो वेट्स, इनको हम इनिशियली रैंडम वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमें यही करना है, हमें वेट्स को सम रैंडम वैल्यू से और बायसेस को सम रैंडम वैल्यू से इनिशियलाइज करना है। स्टेप वन क्या है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। दी इनपुट फ्रॉम ए ट्रेनिंग सेट आर पास थ्रू दी नेटवर्क। बैक प्रोपोगेशन अप्लाई होता है सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम्स पे, जिसमें इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग हमारे पास आउटपुट भी होता है कि इन इनपुट्स के लिए हमें इस न्यूरल नेटवर्क से क्या आउटपुट प्रेडिक्ट करवाना है। इनपुट हैं ट्रेनिंग सेट के, वो हमें पास करने होते हैं नेटवर्क को विद दी हेल्प ऑफ इनपुट लेयर। तो वी फाइंड दी टोटल नेट इनपुट टू ईच हिडन न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पर क्या होगा कि जैसे दो इनपुट्स थे I1 और I2, ये किसको प्रोवाइड हो रहे हैं, हिडन लेयर 1 को। और हिडन लेयर 1 पे हमने देखा है कि हिडन लेयर 1 पे क्या होता है, Z वैल्यू फाइंड होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड होता है। कैसे फाइंड होता है, इनपुट्स को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, वेट्स के साथ, और उनका समेशन किया जाता है और फिर उसकी वैल्यू बायस के साथ ऐड कर दी जाती है। अब हम क्या करेंगे, वी फाइंड द टोटल नेट इनपुट टू ईच हिडन लेयर न्यूरॉन H1 एंड H2 यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला। अब हमें जो इनपुट हिडन लेयर्स के पास आएगा वो कितना होता है, वेट्स का इनपुट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर उनका सम होता है और फिर उसका समेशन किसके साथ होता है, बायस के साथ। हिडन लेयर को इनपुट जो मिलता है वो क्या होता है, I1 इंटू W1, इसका इस इनपुट का इस वेट के साथ मल्टीप्लिकेशन, प्लस I2 का W2 वेट के साथ मल्टीप्लिकेशन, प्लस 1 इंटू B1 बायस वैल्यू। तो ये इनपुट किसके पास जाएगा, हिडन लेयर 1 के पास। तो इस इनपुट को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है कि नेट इनपुट ऑन हिडन लेयर 1 इक्वल्स टू W1 इंटू I1 प्लस W2 इंटू I2 प्लस B1 इंटू 1। हिडन लेयर के सेकेंड न्यूरॉन H2 पे क्या इनपुट जाएगा, I1 इंटू W3 प्लस I2 इंटू W4 प्लस V1 इंटू 1। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों के पास बायस वैल्यू क्या जा रही है, P1 जा रही है। और इनपुट्स किसके पास चले गए, हिडन लेयर्स के दोनों न्यूरॉन्स के पास। तो मैंने आपको बताया था कि हर न्यूरॉन के पास एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है जिसको हम ये इनपुट देंगे और फिर वो उसको डिजायर्ड रेंज में ट्रांसफॉर्म कर देगा। पर सपोज हम जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो है सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन टू कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ H1 एंड H2। तो H1 एंड H2 पे जो आउटपुट जनरेट होगा वो क्या होगा, जो एक्टिवेशन फंक्शन जनरेट करेगा। तो एक्टिवेशन फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सिग्मोइड। तो सिग्मोइड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस e^(-z), और ये हमारा Z है। तो हिडन लेयर के फर्स्ट न्यूरॉन का आउटपुट क्या हो जाएगा, आउट H1 इक्वल्स टू 1/(-net H1). और सेकेंड न्यूरॉन का आउटपुट क्या हो जाएगा, 1/(1+e^(-net H2). तो ये हमें आउटपुट मिल गए न्यूरॉन 1 और 2 ऑफ हिडन लेयर। अब क्या होगा, जो हिडन लेयर के आउटपुट्स हैं आउट H1 और आउट H2, ये एज ए इनपुट किसके पास जाएंगे, आउटपुट लेयर के न्यूरॉन्स के पास। अब यहाँ पर I1 I2 नहीं यूज़ होगा, यहाँ पर जो इनपुट जाएगा आउटपुट लेयर के न्यूरॉन के पास वो कौन सा होगा, आउट H1 और आउट H2। तो न्यूरॉन 1 के पास जो इनपुट जाएगा वो क्या हो जाएगा, आउट H1 इंटू W5, क्योंकि ये वेट W5 है, प्लस आउट H2 इंटू W6 प्लस 1 इंटू B2। तो the output of hidden layers forwarded as input to output layer, again using above formula we calculate the output of neurons O1 and O2. तो जो भी output hidden layers के neuron ने generate किए हैं वो as a input forward कर दिए जाएंगे output layer को। तो हम formula apply करके O1 और O2 का output calculate कर लेंगे। फिर क्या होगा, activation function apply करके
जो भी आउटपुट जनरेट होगा वही प्रिडिक्टेड आउटपुट होगा इस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। तो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में हम O1 और O2 का आउटपुट जनरेट कर लेंगे जो कि हमारा प्रिडिक्टेड आउटपुट होगा। यहाँ पर भी एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू ही आउटपुट जनरेट होगा जैसे हमने यहाँ पर किया था। फिर स्टेप 2 क्या होगा, कैलकुलेट दी टोटल एरर। अब हमें एरर फाइंड आउट करना है। तो एज वी आर वर्किंग विथ ए ट्रेनिंग सेट दी करेक्ट आउटपुट इज नोन, क्योंकि यह सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिदम है तो हमें किस इनपुट के लिए क्या आउटपुट जनरेट होना चाहिए पहले से ही पता होता है। सो वी कैलकुलेट दी एरर फॉर ईच आउटपुट न्यूरोन O1 एंड O2 यूजिंग दी स्क्वायर्ड एरर फंक्शन। हम यहाँ पर एरर कैलकुलेट करेंगे हर आउटपुट न्यूरोन के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो न्यूरोन थे O1 एंड O2, उन दोनों का ही एरर फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर जो हम एरर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं कौन सा यूज़ कर रहे हैं, स्क्वायर्ड एरर फंक्शन। तो यहाँ पर जो एरर फाइंड आउट होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ टारगेट आउटपुट 1, यानी कि जो एक्चुअल आउटपुट होना चाहिए था वो, माइनस आउटपुट ऑफ 1। आउटपुट लेयर के न्यूरॉन 1 का आउटपुट क्या होगा, आउट O1, और ये किसके इक्वल होगा, 1/(1+e^-net O1) इसके इक्वल होगा। सिमिलरली इसका भी हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि आउटपुट लेयर के फर्स्ट न्यूरॉन का आउटपुट है आउट H1 और सेकेंड न्यूरॉन का आउटपुट है आउट H2। तो जो एरर कैलकुलेट होगा फर्स्ट आउटपुट न्यूरॉन का वो होगा EO1 इक्वल्स टू हाफ ऑफ टारगेट ऑफ 01 माइनस आउट ऑफ 01। ये क्या है एक्चुअल वैल्यू और ये क्या है प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो इस सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर से हम दोनों ही आउटपुट न्यूरॉन्स का एरर फाइंड आउट कर लेंगे। दी टोटल एरर फॉर द न्यूरल नेटवर्क इज द सम ऑफ दीस एरर्स। और टोटल एरर कितना हो जाएगा इस न्यूरल नेटवर्क का, क्योंकि दो आउटपुट न्यूरॉन्स थे तो इन दोनों का ही एरर मिला के एरर हो जाएगा कंप्लीट न्यूरल नेटवर्क का। अब थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, बैकवर्ड प्रोपोगेशन। द ऑब्जेक्ट ऑफ बैक प्रोपोगेशन इज टू चेंज द वेट्स एंड बायसेस फॉर द न्यूरॉन्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग द एरर फंक्शन टू ए मिनिमम। मैंने आपको बताया था कि बैक प्रोपोगेशन का मेन मोटिव क्या होता है, कि हमें वेट्स और बायसेस को इस टाइप से अपडेट करने होते हैं जिससे एरर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आ जाए। नाउ वी विल प्रोपोगेट बैकवर्ड्स। तो अगर हमें एरर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम नहीं मिली है तो उस केस में हम वापस से बैक प्रोपोगेट करेंगे, यानी रिवर्स ऑर्डर में वेट्स को अपडेट करते हुए जाएंगे टिल इनिशियल लेयर तक। तो फर्स्ट अपडेट वेट W5। तो हमने यहाँ पर एरर मिल गया। अब आप रिवर्स ऑर्डर में वेट्स को अपडेट करोगे तो पहले वेट कौन सा अपडेट होगा, W5, फिर W6, फिर W7, फिर W8, फिर कौन से वेट होंगे, W1, W2, W3, W4, यानी रिवर्स ऑर्डर में हम वेट्स को चेंज करेंगे यहाँ पर बैक डायरेक्शन में, इसीलिए से बैक प्रोपोगेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट अपडेट वेट W5। अब आपको फर्स्ट जो है W5 का वेट चेंज करना है, और मैंने आपको बताया था कि वेट को अपडेट करने का फॉर्मूला क्या होता है ग्रेडियंट डिसेंट में। जैसे W5 को अपडेट करना है तो W5 मतलब न्यू वैल्यू ऑफ W5 किसकी इक्वल होगी, ओल्ड वैल्यू ऑफ W5 माइनस ईटा इज लर्निंग रेट इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एरर फंक्शन विथ W5 वेट। तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच चेंज इन W5 अफेक्ट्स द टोटल एरर। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये कि हमें W5 को कितनी वैल्यू से चेंज करना है जिससे हमारा टोटल एरर अफेक्ट हो, यानी कि वो रिड्यूस हो जाए। तो उसके लिए हमें पार्शियल डेफिन निकालना पड़ता है ई टोटल का, जो कि हमारा एरर है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का विथ रिस्पेक्ट टू जिस वेट को आप अपडेट कर रहे हो। हमें निकालना पड़ेगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ई टोटल विथ रिस्पेक्ट टू W5, और टू डिक्रीज द एरर वी देन सब्सट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम द करेंट वेट W5। तो एरर को डिक्रीज करने के लिए हमें इस वैल्यू को लर्निंग रेट के साथ मल्टीप्लाई करके वेट ऑफ W5 से सब्सट्रैक्ट कर देना पड़ेगा, जिससे हमें एक नया अपडेटेड वेट मिल जाएगा W5 का, जिसको यूज़ करके जो एरर फंक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। वी रिपीट दिस प्रोसेस टू गेट द न्यू वेट्स W6-W7-W8-। तो यही प्रोसेस हम इसी टाइप से हम W6, W7 और W8 का वेट अपडेट कर देंगे। यहाँ पर जो हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला है ई टोटल का विथ रिस्पेक्ट टू W5, इसको सॉल्व करने के लिए हमें चेन रूल का यूज़ करना पड़ता है। तो जो हम पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करेंगे एरर का विथ रिस्पेक्ट टू W5, वो विद द हेल्प ऑफ चेन रूल क्या होगा, एरर को हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ आउटपुट ऑफ O1, इसका आउटपुट क्या है O1, इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आउट O1, जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिखना होगा, आउट O1 डिवाइडेड बाय आउटपुट ऑफ H1 डी ऑफ
आउट एच वन इंटू डी ऑफ आउट वन, यहाँ पर जो लिखा आपने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आउट एच वन विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू फाइव, ठीक है, ये चेन रूल है। देखो तो देखो चेन रूल से क्या हुआ, एरर को आपको डब्ल्यू फाइव के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना था, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए पहले एरर को आपको आउटपुट ऑफ ओ वन के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर आउटपुट वन किस पे डिपेंडेंट था, आउटपुट ऑफ एच वन में पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा आउट ओ वन, आउट ओ वन का विथ रिस्पेक्ट टू आउट एच वन, और आउट एच वन का किसके रिस्पेक्ट में करना होगा डब्ल्यू फाइव। तो देखो उस केस में क्या होगा, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू फाइव बचेगा तो हमें ये मिल जाएगा। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग ये डिफरेंशिएशन कैलकुलेट होता है। तो इसी टाइप से हमारे डब्ल्यू सिक्स डब्ल्यू सेवन डब्ल्यू एट वेट फाइंड आउट हो जाएंगे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू बैकवर्ड्स टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू डब्ल्यू थ्री एंड डब्ल्यू फोर। अब हम इसके वेट्स फाइंड, ये वाले वेट्स फाइंड आउट करेंगे, और इसकी वैल्यू भी क्या होगी, डब्ल्यू वन डैश इक्वल्स टू डब्ल्यू वन माइनस लर्निंग रेट इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ ई टोटल विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू वन, यहाँ पर डब्ल्यू टू के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, यहाँ डब्ल्यू थ्री के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर डब्ल्यू फोर के रिस्पेक्ट में। तो फाइनली वी अपडेटेड ऑल ऑफ आवर वेट्स, तो अब वेट्स सारे अपडेट हो गए, हमने इनिशियल वैल्यू कुछ और ली थी, अब नए वेट्स हमें डब्ल्यू वन डैश डब्ल्यू टू डैश डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू फोर डब्ल्यू फाइव, ये सारे वेट्स हमें डब्ल्यू डैश मिल गए, नए वाले वेट्स मिल गए। तो अब हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट वी विल अगेन प्रोपोगेट फॉरवर्ड एंड कैलकुलेट द आउटपुट, फिर से हम फॉरवर्ड प्रोपोगेशन करेंगे, फिर से आउटपुट जनरेट करेंगे, आउटपुट जनरेट करने के बाद हम एरर कैलकुलेट करेंगे, अगेन वी विल कैलकुलेट द एरर, इफ़ द एरर इज मिनिमम वी विल स्टॉप, एल्स वी विल अगेन प्रोपोगेट बैकवर्ड्स एंड अपडेट द वेट वैल्यूज। तो अगर मिनिमम हमें एरर मिल रहा है तो हम वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे, अदरवाइज फिर से हमें बैकवर्ड्स प्रोपोगेट करना पड़ेगा और फिर से वेट की वैल्यूज को अपडेट करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस कब तक रिपीट होगी, जब तक कि हमें एरर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम नहीं मिल जाती है। तो दिस प्रोसेस विल कीप ऑन रिपीटिंग अंटिल एरर बिकम्स मिनिमम, एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस द मॉडल इज रेडी टू मेक प्रेडिक्शंस फॉर अननोन इनपुट डेटा। तो जब ये पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, तो उस केस में हमारा मॉडल रेडी होगा किसी भी अननोन इनपुट डेटा के लिए आउटपुट प्रेडिक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी तो हम उसे ट्रेनिंग दे रहे थे जिसमें हमें इनपुट भी पता था और आउटपुट भी पता था, लेकिन अगर कोई नया इनपुट हम उसे देते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट होगा वो आपको प्रेडिक्ट करके बता सकता है ये मॉडल आफ्टर परफॉर्मिंग बैक प्रोपोगेशन। तो न्यू डेटा कैन बी फेड टू द मॉडल, अ फॉरवर्ड प्रोपोगेशन इज परफॉर्म्ड एंड द मॉडल जनरेट्स इट्स प्रिडिक्शन। तो आप नया डेटा कोई भी इस मॉडल को जब आप दोगे तो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन अप्लाई होगा और मॉडल जो है आपको एक उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट प्रिडिक्ट करके देगा।